हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम सभी ठीक हैं। तो मैं ना छत पर हूँ, क्योंकि ना हम लोग यहीं पर लेटे थे, पर अभी ना सुबह 4:30 बजे से बारिश हुई, तो सभी लोग अंदर लेटे हैं नीचे। और अभी ना थोड़ी हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, थोड़ा सा पानी बरसा है कि मतलब धरती गीली हो गई है, पानी भरा हुआ भी है रोड पर। इधर आता मैं यहाँ पर आई थी क्योंकि ना ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश हो गई, हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही हैं, और मेरे ना कंडे जो बनाए थे वो गीले हो गए। मुझे क्या पता कि बारिश होगी, अचानक से तेज़ी से बारिश होने लगी तो फिर ये कंडे गीले हो गए हैं। पर कोई नहीं, कल आज में धूप निकलेगी तो सूख जाएंगे, तो इन्हें बोरी में भर के रख दूँगी। और पूरा शांत माहौल है, मौसम बहुत अच्छा है आज का। देखिए इधर देखिए, वहाँ देख पर स्वावा परी हुई है, सुबह के 5:30 बजने वाले हैं। आपको बाहर का भी आप लोग बताइएगा, आप लोगों के यहाँ बारिश हुई है कि नहीं हुई? हमारे यहाँ तो बारिश हुई है और बहुत ठंडा मौसम था, अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो अभी देखिए दोस्तों, इवनिंग का टाइम है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ पराठे, क्योंकि ना रोटियाँ ख़त्म हो गई थी और टाइम जो है तो 4 बजे का था। तो हम लोग ना दोबारा खाना खाते हैं, अंश के पापा, बच्चे, सभी लोग खाना खाते हैं, तो बस रोटियां नहीं थी, तो फिर मैंने कहा थोड़ी आटा रखा है तो पराठे सेक देती हूँ, और थोड़ा सा मैंने दलिया चढ़ा दिया था एक साइड, क्योंकि ना दलिया खाने का मन था मेरा। और हम लोग ना दलिया खा भी लेते हैं, बिना दूध के ही खाते हैं, ऐसे नहीं खाते, दूध में तो खा भी लेते हैं लेकिन दूध होता ही नहीं है ज़्यादा, हम लोग लेते नहीं हैं। तो दूध की जगह ना हम लोग घी और चीनी का यूज करते हैं, दलिया अगर गर्म गर्म हो तो घी और चीनी डालकर खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं आराम से, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभार मैं नाश्ते में भी बना लेती हूँ, पर 2-3 दिन से नहीं बनाया था तो फिर मैंने चढ़ा दिया था। और यहाँ पर जो है तो पराठे सेक देती हूँ, और इनको जाना है सब्जी लेने के लिए अंश के पापा को। तो पहले तो इन्हीं को भूख लगी थी तो ये बोल रहे थे खाना लेकर आओ। इसके बाद जो है तो अंश भी सो रहा था तो उसे भी भूख लगी, वो भी उठ कर बैठ गया कि मम्मी मुझे भी रोटी दे दो। तो रोटियाँ नहीं थी तो फिर मैंने कहा कि दलिया बनने में थोड़ा टाइम लगेगा तो फिर मैं पराठे ही सेक दे रही हूँ, और ज़्यादा आटा नहीं रखा था, 5-6 रोटी का ही रखा था। तो फिर मैंने जो है तो रोटियां से पराठे सेके और जो 2 रोटी रखी थी वो इनको दे दी खाने के लिए, क्योंकि ना इन्हें थोड़ा जल्दी जाना है सब्जी लेने के लिए। इसके बाद जो है तो ये दुकान खोलेंगे। और आज का मौसम बहुत अच्छा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, धूप जैसी है। तो आकृति लेकर जा रही है पराठे छत पर, हवा बहुत अच्छी अच्छी चल रही थी और बस पराठे सेक गए थे, अंश को भी मैंने दे दिए थे, तो अंश खा रहा है, आकृति भी खा रही है और लेकर चली गई है। और थोड़ा सा स्लिप पे मैं कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि ना यहाँ पर चींटियाँ आने का डर रहता है। और ये ना बर्नी है तो इसमें आंवले का अचार था, थोड़ा सा पड़ा हुआ था तो मैंने उसको हटाकर दूसरे बर्तन में रख दिया है। खाना बनाते टाइम ना पसीने से नहा जाना होता है, चाहे 2 मिनट के लिए बनाओ, चाहे आधा घंटा हो या 1 घंटा। इधर जो है तो 2 पराठे रखे हैं, इन्हें ढक दूँगी। हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते। अभी ना मैं कूलर के सामने खड़ी हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों पे व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, तो मैं थोड़ा हवा ले लूँ, ठंडी ठंडी बहुत अच्छी हवा आ रही कूलर से। और आज ना बादल जैसे हैं, देखते हैं रात में बारिश होगी या नहीं होगी। तो गर्मी देखो पहले कितना ज़्यादा पसीना है, मुझे थोड़ा सा खाना खाना है क्योंकि ना मुझे लगे हूँ 1-2 पराठे मैं भी खाऊँगी। और अभी जो है तो खाना वाना मैंने भी पराठे खाए, इसके बाद जो है तो पानी ख़त्म हो गया था और मतलब आंधी जैसे चढ़ी थी, जैसे आंधी आनी हो, तो फिर पानी भी नहीं था और ये बोतलें भी खाली थी, तो फिर मैंने कहा चलो पानी भर लेती हूँ। नहीं फिर पता है आंधी आ जाती है ना बहुत तेज़ी से, जब हवा आती है, आंधी तूफान आते हैं ना, तो लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है, इस वजह से पहले से ही पानी की व्यवस्था कर ले तो सही रहता है। कभी कभी तो 2-2 घंटे 4-4 घंटे नहीं आती है, जो आंधी तूफान आते हैं पूरी रात भी नहीं आती कभी कभार। तो यहाँ पर मैंने सारी बोतलों को अच्छे से साबुन से धुल लिया था ऊपर से, क्योंकि ना चिकनी चिकनी होती हो जाती है ना इस वजह से, और साफ पानी से भी धुल लिया था। इसके बाद जो है तो यही पाइप लगा करके मैंने जो है तो पानी भर दिया है बोतलों में। और ये कुर्सी ना बीच पे रखी थी, निकलने की जगह नहीं थी, बीच में रखी थी तो इसे उठाकर किनारे रखा, और ये बर्तन है तो इन्हें एक साइड रख दे रही हूँ पानी वाले, और बस इन्हें ढक दूँगी। शाम को ताज़ा पानी भर लेती हूँ, क्योंकि ना दोपहर सुबह जैसे पानी भरूँ ना तो वो गर्म हो जाता है दिन भर में,
और इतनी ज़्यादा गर्मी ही पड़ रही है तो सारा पानी गर्म हो जाता है पीने वाला। वैसे तो हम लोग फ्रिज का पीते हैं, लेकिन कभी कभार जैसे थोड़ा बहुत पीना होता है, अम्मा जी ज़्यादा पानी पीती हैं घड़े का, तो बस उनके लिए थोड़ा ठंडा पानी सही रहता है। और गर्मी है तो ठंडा पानी की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो यहाँ पर बर्तन है तो इन्हें उठा कर रख देती हूँ। तो दोस्तों अभी जो है तो इवनिंग के 6 बजने वाले हैं और बर्तन वगैरह मैंने धुल लिए, पानी भर लिया है और ये गए हैं अभी सब्जी लेने के लिए। सो सब्जी ले आए, देखते हैं क्या लेकर आ रहे हैं, तो वही बनेगा जो लेकर आएंगे, देखते हैं क्या बनेंगे। इधर जो है तो दलिया पक गया था, तो बस इसे खोल करके थोड़ा मिक्स कर देंगे, क्योंकि ना कुकर में बनाते हैं तो जैसे हमने कुकर पे डाला वैसे ही पक जाता है ये, तो इसे मिक्स करेंगे। और इसके बाद जो है तो ये कठिया गेहूं का दलिया है, जो देसी वाला गेहूं होता है ना लाल वाला, तो वही है। और ये मेरे मायके का है, क्योंकि ना मैं मायके से गेहूं लेकर आई थी, फिर मैंने घर पर दलिया डाला था। और इसका खाने में टेस्ट बहुत बहुत अच्छा आता है और अच्छा भी लगता है खाने में। सो बहुत से लोग क्या होता है ना कि बीमारी में ही दलिया खिचड़ी खाते हैं, पर हम लोग ना नाश्ते के साथ में भी दलिया खाते हैं, क्योंकि ना ये बहुत फ़ायदेमंद होता है और अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने सभी को दलिया परोस दिया है, कुकर को बाहर रख दिया था, इसमें थोड़ा सा चीनी मैंने सबकी प्लेट में डाल दिया है और अभी जो है तो घी डाल दे रही हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने सबको हर दलिया दे दिया है, सभी लोग खा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ खाने के लिए। सो आप लोग भी आ जाओ खाना खाने के लिए। और ये गरम गरम ही अच्छा लगता है, वैसे ठंडा हो जाए तो फिर नहीं अच्छा लगता, क्योंकि ना ठंडा होने के बाद दूध के साथ खाओ तभी अच्छा लगता है, और अगर गरम गरम खाओ तो फिर ऐसे ही खा लो, दूध तो ज़्यादा होता नहीं है, तो हम लोग ऐसे चीनी और घी के साथ में खा लेते हैं। इधर ये लेकर आ गए हैं सब्जी और हम लोग खा रहे थे दलिया, तो बस ये देख रहे थे। इधर भनेज है मेरा रोहित, तो ये भी इसने भी खाया, बाकी हम सभी लोगों ने खाया, यही रह गए थे क्योंकि ना ये बाद में आए थे। और इधर जो है तो सब्जी देख रही हूँ क्या क्या लेकर आए हैं। बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करना, मजबूरी है मेरी, मैं इतना नहीं वो कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए सीजन के पहले आम, तो सीजन की नहीं है, हमने ना कई बार खा चुके हैं, पर वीडियो पे आज दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये जो सब्ज़ी में भिंडी प्याज आलू है ना, ये सारी चीज़ें मिक्स थी झोले पे, नींबू वगैरह, तो मैंने कहा चलो इन्हें निकाल करके फिर सब्जी जो है तो अलग अलग करूँ। सारी सब्जियाँ सब मिक्स थी और तरोई बस अलग थी और हरी मिर्ची वगैरह। तो देखिए भिंडी कितनी ज़्यादा है, 1 kg है और बहुत ताज़ी थी, बिल्कुल मुलायम थी, बच्चे थी। और यहाँ पर ये भनेज है और ये हैं, तो ये बैठे हुए बातें कर रहे थे, थोड़ा सा इनसे बातें की, अपना काम भी करती जा रही थी। और दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी चैनल पे भाई बहन नहीं हुआ ना, और वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करिएगा। सब्जी निकाली, हम लोगों ने आम खा लिए थे, यहाँ पर सारी सब्जियाँ मैंने जो है तो धुल कर रख दी हैं, बर्तन भी धुल दिए हैं, खाई पिए। और अभी देखिए रात के जो है तो 7:30 बज गए थे और मैं यहाँ पर बना रही थी तरोई की सब्जी बना रही थी। तरोई ना बहुत बिल्कुल ताज़ी ही थी, तो कढ़ाई में तेल डाला था, तेल गर्म हो गया था, तो फिर लहसुन प्याज और हरी मिर्च फ्राई की और इसके बाद जो है तो मैंने तरोई डाली और बस इन्हें छौंक दूंगी और नमक डाल के ढक दूंगी, तो बस ये थोड़ा पक जाएंगी। इसके बाद जो है तो मसाले डालेंगे। और हमारे यहाँ के ना आलू बहुत ज़्यादा मीठे आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे खाने में, पर क्या कर सकते हैं, कभी कभार तो बनाना ही पड़ता है। और तरोई थोड़ा कम थी तो फिर मैंने आलू डाले, और आलू तरोई के साथ में ना टमाटर नहीं डाले जाते, मुझे ना पसंद नहीं आते, पर क्या कर सकते हैं, आलू मीठे होते हैं तो इस वजह से इनमें ना टमाटर डालना पड़ता है। यहाँ पर जो है तो सब्जी को ढक दिया है नमक डाल के, तो बस ये अधपकी हो गई देखिए। तो इसमें ना मैंने एक टमाटर काट के डाला है और मसाले डाल दिए हैं सारे, सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्ची पाउडर, और बस इन्हें अच्छे से मिक्स करके थोड़ा और ढककर पका दूंगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। और मेरे बच्चे ना हरी सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को खिलाने में, बिल्कुल से आलू बस मतलब छांट छांट के खा लेते हैं, और तरोई की सब्ज़ी मतलब बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं। सभी के बच्चे ऐसे ही करते हैं, हरी सब्ज़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बस आलू की सब्ज़ी देते रहो, सभी खाते हैं, आलू की सब्ज़ी बस पसंद होती है बच्चों को। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी को मैंने 10 मिनट तक पकाया और बस सब्ज़ी मेरी अच्छे से पक गई थी। इधर मैंने उतार के रख दिया है, आटा भी लग गया है मेरा। यहाँ पर अंडे की ट्रे रखी है, क्योंकि ना आज इन्होंने दुकान खोली पर लेकर नहीं गए थे। और ये देखिए आटा, बहुत ज़्यादा आटा सूख जाता है थाली में। तो इधर जो है तो मैं आटा लगा कर रख गई थी और यहाँ पर आई थी किराएदारनी, तो बच्चों के साथ में बातें कर रही थी और मैं ना बात कर रही थी अपनी छोटी ननंद से, क्योंकि ना दीदी का फ़ोन आया था, तो बोल रही थी कि तबीयत ठीक नहीं, तो बस उन्हीं से थोड़ा बात हो रही थी। और अम्मा जी भी यहीं पर बैठी हैं।
अभी देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग है। सो आप सभी को गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हो बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैंने जो है तो नहा लिया है और झाड़ू पोछा वगैरह मेरा सब कुछ हो गया है। मुझे ना खाना बनाना है, पहले मैं पूजा कर लूँ, इसके बाद जो है तो फिर मैं खाना वाना बनाऊँगी। बच्चों को भी नहला दिया था, बच्चे कोचिंग जाते हैं ना तो पहले सुबह ही नहा करके जाते हैं। और इस साइड का मैंने पोर्शन चेंज किया है ना, थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। पूजा कर रही थी और यहाँ पर कैमरा चालू था तो भैया का फ़ोन आ रहा था, मेरे छोटे वाले का। तो अंश को फिर मैंने बुलाया कि भैया फ़ोन उठा लो, और इसके बाद मैं ज़्यादा तो नहीं दिखा पाई क्योंकि ना फ़ोन ही काफ़ी देर से बज रहा था। तो उससे बात की, मम्मी ने बात की, और भाभी तो ड्यूटी चली गई थी तो भाभी से नहीं बात हो पाई। रात में वीडियो कॉल आया था तो भाभी थोड़ा सा ही बात कर पाई थी, क्योंकि ना उनका छोटा सा बाबू है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है बात करने में, और बोलता है बुआ वीडियो कॉल करो जब भी बात करेगा। तो यहाँ पर पूजा हो गई है मेरी। हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हो आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो पूजा मेरी हो गई है और अभी जो है तो मैंने खाना बना लिया है, और अम्मा का फ़ोन आ गया था, मेरी मम्मी का, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ। तो अभी जो है तो मैं खाना लगा रही हूँ अपने लिए, भनेज को मैंने दे दिया था, ये भी खा कर चले गए थे। तो आज ना हमने खाने पे बनाया मलमला। अच्छा मलमला कौन कौन जानता है? जो हरी पत्ती वाला होता है, कछुआरी में लगाया जाता है, उसे मट्ठा और बेसन के साथ में बनाया जाता है। तो ये देखिए आज का ये हमारा खाना, मलमला रोटी और प्याज सलाद में। बस नॉर्मल ज़िंदगी, नॉर्मल खाना पीना, मिडिल क्लास लोगों का यही होता है डेली का खाना पीना। तो आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए साथ में। निकालो बोतल, फिर चालू नहीं है का, चल तो रहा, लेके आओ तुम। इधर मैं खाना खा रही हूँ और अंश जो है तो खाना खा रहा है। तो मैं अंश को ना डांट रही थी क्योंकि ना जब ये लोग ना खाना खाते हैं ना तो इन्हें ना खाना के साथ साथ फ़ोन भी चाहिए चलाने को। तो बस ये क्या हुआ कि आकृति गई थी पापा से फ़ोन लेने के लिए दुकान में, तो ये दौड़ के गया कि आकृति ना ले पाए, तो इस वजह से ना ये गिर गया था, कहीं पैर फंस गया होगा तो आँख के बगल में ना चोट आ गई थी, तो इसी वजह से मैं डांट रही थी। तो आप लोग भी आ जाओ खाना खाने के लिए, मैं तो खा ही रही हूँ। तो ये देखिए, ये है मीशो से मंगाई हुई चीज़ें, और ये दो चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी, मैंने किसी को देखा था तो फिर मैंने ये मशीन मंगाई क्योंकि ना मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पर मेरे मंगाने ना मंगाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ना मेरे पैसे तो ऐसे ही बर्बाद चले गए, पानी में चले गए मेरे पति के पैसे। और मैं समझ लो कि मैं अपने पति के पैसों पे ऐसे ही पानी फेर देती हूँ, क्योंकि ना ये मशीन जो है तो बिल्कुल बेकार है, कबाड़ है, बस आलू मैश करने वाला ही सही है, और अब क्या कर सकते हैं, फेंकने लायक ही है। तो मैंने तो किसी को देख के मंगाया था पर मेरे पैसे ऐसे ही चले गए हैं, और मुझे ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। बाकी इनको जब पता चलेगा तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कितनी डांट पड़ने वाली है मेरी, और समझ नहीं सकते हो आप लोग। और यहाँ पर देखिए चाची जी आ गई थी तो इनसे थोड़ा बातें आती की, और आज ना और इवनिंग का टाइम है। सॉरी, आज का मेरा वीडियो यहीं तक है, आप सभी को पसंद आए तो लाइक करना, कल मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक।